हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शिफाली। एंड कैसे हैं आप सब? होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15 और मैं रेडी हो रही हूँ। मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाना है और मुझे पहननी है साड़ी। सो मैंने ये क्रॉप टॉप एज अ ब्लाउज़ यूज़ किया है और मैं ये साड़ी वेयर करूँगी आज, जो कि मेरी नानी की साड़ी है, जो मेरे को पुरानी साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आज मैं इसे स्टाइल करूँगी। सो चलिए चलते हैं, देखते हैं मैं कैसी लगती हूँ। गाइस, सुबह से ही मैंने अपना बेस तैयार करा हुआ था। एक फाउंडेशन की लेयर लगाई हुई है, देन उसके बाद लिपस्टिक, काजल एंड आईब्रोज, ये तीनों चीज़ें सेट करके मैं तैयार हूँ। साड़ी मैंने पहन ली है और बस मैं निकलने वाली हूँ। और कहीं जाने से पहले सबसे पहले खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, ब्रेकफास्ट। सो गाइज, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुकी हूँ। 10 to 15 minutes में वी विल रीच, एंड देन आई थिंक 9:30 से फंक्शन स्टार्ट होगा। मैं टाइम पे ही हूँ, ज़्यादा लेट नहीं हूँ। तो गाइज, मैंने साड़ी लुक को इन्हांस करने के लिए छोटे से बिंदी लगाई है, क्योंकि मैंने बहुत सारी एसेसरी को चूज नहीं करी। गाइज, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंच चुके हैं। यहाँ हमारे कॉलेज के सारे कॉन्फ्रेंस होते थे, और आज के कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से संस्कृत ऑनर से मैं पास आउट हूँ। सो 2 साल पहले मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, और आज इस कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे बुलाया गया था और मैंने पार्टिसिपेट करा है यहाँ पर। सो इसलिए मैं साड़ी पहन के आई हूँ, क्योंकि हमारे संस्कृत में कोई भी कार्यक्रम होता था ना, तो हम लोग ऐसी ट्रेडिशनल वेयर करते थे। और अभी प्रोग्राम शुरू होता है, मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ आज का। और व्लॉग मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि हमारे जो संस्कृत विभाग में किस तरीके से प्रोग्राम होता है। तो गाइज़, यहाँ पर जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है ना, उनके लिए ब्रेकफास्ट और लंच का मैनेजमेंट है कुछ इस तरीके से। सो गाइज, अभी भी गेस्ट आ ही रहे हैं। 5:30 बजे तक 3 सेशन हैं। सो अभी इनॉग्रल सेशन है। भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण एवं दीप प्रज्वलन के विधान से किया जाता है। इसी परंपरा का वहन करते हुए एक छोटी सी जिम्मेदारी मेरे इससे आई है कि मंचस्थ विभूतियों का अपने विभाग की ओर से, अपने विश्वविद्यालय की ओर से अभिनंदन हो, उनका सम्मान हो, उनका स्वागत हो, तो उस भूमिका का निर्वहन आपके सामने करूंगा। तो गाइज, आज के इवेंट के हम लोग वॉलंटियर्स हैं। ये लोग मेरे क्लासमेट्स हैं जो कॉलेज में थे, निकिता एंड मोहिनी, और भव्या है जिससे मैं आज ही मिली हूँ। तुम अभी क्या कर रही हो बताओ? मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ दौलत राम कॉलेज से, लेकिन हमारी क्लास फैकल्टी में होती है। और तुम लोग? मैं कुछ नहीं कर रही। मैं अभी यही कर रही हूँ। ठीक है, मोहिनी कुछ तो कर रही है। मुझे सब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, डांस सीख रहा हूं, मुझे फॉलो कर लेना। नाच के दिखाती है? अच्छा, डांस करती है तो सिखाती भी है वैसे?
ठीक है, तो एक डांसर, एक मेकअप ट्यूटर, और तुम क्या कुछ सिखाती हो? नहीं, मैं कुछ सिखाती हूं, पढ़ रही हूं। ठीक है, ये देख, ये देख, इतनी शरीफ है। यार फोटो पोस्ट करने कैसे खड़े थे? गधा मजाक। तब भी ऐसे करके वो पैर ऐसे क्रॉस करके पिंडी की पेट से ऐसे। इसकी शक्ल तो मैं जाना। अकल तो है ही नहीं है। कितनी बार करेगी? जी। हेलो गाइस। किशोरी झा, किशोरी झा जा, किशोरी झा जा, भाई मैं डर गई, चूहा आ गया जैसे। उसका नाम है बेबी लवली। बेबी लवली, हाँ, झा दीदी की बैच का बेबी लवली नाम है पूरा। सही में बेबी भी और लवली भी है। बेबी लवली सर्टिफिकेट पे यही लिखा जाएगा। चल कोई बात नहीं, आ धंजरे इधर आ। सॉरी, कड़ा चाहिए बल्ले में। किसका कड़ा उतार? इसका उतार कड़ा बनाने के लिए दोबारा कहना चाह रहा है। ये मुझे कड़ा पसंद आ गया इसका। गाइस, गाइस ये नाटक था, कुछ नहीं कर रहे थे। गाइस ये देखो, मैंने वापस कर दिया, वापस उसी तरीके से चलाते हुए। गाइस, गाइस उसी तरीके से धंजरी, धंजरी कहाँ भाग गई? गाइस गाइस रीसेंट अपडेट, धंजरी भाग गई। मम्मी पापा घबरा जाएंगे। सो गाइज, आज मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड कर ली, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पुराने अपने फ्रेंड से मिलके, सीनियर से मिलके, सुपर सीनियर से मिलके, टीचर, प्रोफेसर्स, बहुत बहुत अच्छा लगा इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलने। एंड अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस हॉल में हैं और अब मैं बाहर निकल रही हूँ। बाहर सामने ही आर्ट फैकल्टी का गेट है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना ना अपने आप में बहुत प्राउड फीलिंग है। मतलब मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने यहाँ से स्टडी करी। हम आ गए विश्वविद्यालय और हालत बहुत ख़राब है, बट घर जाने से पहले कुछ खा पी के जाएंगे। हाँ सही बोला तूने। जा रही हूँ। हम आए फूड बस, यहाँ का मैंने व्लॉग भी बनाया है और अगर आपको इसका अलग से व्लॉग देखना है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। कितने गंदे लग रहे हैं। Yes, sir. Yes.
गाइस इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर और कमेंट भी कर देना, और मैं पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।